जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार प्रदान करने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। दोस्तों, निशुल्क ज्योतिष परामर्श प्रदान करते हैं हम। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको ज्योतिष के बारे में प्रदान करते हैं और बहुत ही यूनिक बातें भी शेयर करते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपकी राशि के लिए आपके लिए बताना चाहते हैं। कई बार आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हमारे कान पर बाल है या किसी व्यक्ति के कान पर बाल है तो ये शुभ होता है या अशुभ होता है। बहुत से लोग इसे शुभ मानते हैं, बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, बहुत से लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है। तो आज आप का कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से दूर होगा आपकी राशि के लिए, आपके लिए, कि कान पे बाल होना वाकई में शुभ संकेत है या कैसा संकेत है। बहुत से लोग आपको कहते हुए सुनते हुए मिलते होंगे कि जिन जातकों के कान पर बाल होते हैं बड़े कंजूस होते हैं और तरह तरह के कंजूस होते हैं, वो लोग स्वार्थी होते हैं, वो लोग में कुछ कमियाँ होती है। ये जितनी तरह की जो एक भ्रांतियाँ है ना, बिल्कुल झूठ है, मिथ्या है और बिल्कुल नकारात्मक बातें हैं। क्योंकि कान पे बाल आमतौर पर आम लोगों में आपको नहीं दिखाई देते हैं, पहली और मुख्य बात। ये विशिष्ट और दुर्लभ प्रजाति के जो लोग हैं उनके कानों पे बाल दिखाई देते हैं। तो कान पे बाल होना बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि क्यों और कैसे। देखिए, आप देखिएगा, बहुत से जातकों के कान के बाहरी सतह पर, देखिए इसमें भी दो कंडीशन है, जिन जातकों की बाहरी सतह पर बाल होते हैं कान के, वो बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, और जिन जातकों के कान के अंदरूनी भागों पे होते हैं वो भी शुभ होते हैं, लेकिन बाहरी के मुकाबले थोड़ा कम। ये बात आप जान लीजिएगा। दूसरी बात होती है, व्यक्ति अपने भावों को रख नहीं पाता है। जिनके कान पर बाल है जातकों के, मानता हूँ बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन वो जो सोचते हैं जितना अच्छा मन में उतना अच्छा प्रकट नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात इन पर रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है, गणपति महाराज जी की कृपा होती है, ये बात आप जानिएगा। तो ऐसे जातकों को भगवान को दुर्वा चढ़ाना चाहिए, गणपति जी को ओम गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए, और दोस्तों सुबह उठते ही अपने दोनों कानों को हाथ लगाना चाहिए। ये सबसे बेसिक और मुख्य चीज़ें हैं। तो आपके मन में ये जो भ्रांतियाँ हैं कि कान पे बाल होना अशुभ है, ये है वो है, देखिए दोस्तों, जिस भी जातक के कान पे बाल हैं बहुत ज़्यादा शुभ है। वो जातक बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी जगह तक जाता है, वो जातक बहुत मेहनती होता है, वो जातक ऑटोमेटिकली उसके लिए सब कुछ व्यवस्था है, ईश्वर लगाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन आप सुन लीजिएगा कि जो बर्बाद होते हैं वो, और जो कंजूस आप जो सुनने में आते हैं वो, पहली बात उसके पीछे कारण है दोस्तों कि जिन जातकों के कान पर बाल होते हैं अगर वो शराब का सेवन करते हैं, अगर वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो वो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। केवल कुछ दिनों तक आदमी को केवल शिखर तक पहुंचा देते हैं वो, लेकिन अगर वो इन चीज़ों के बीच में व्यसन में फंसा है तो शिखर से बहुत जल्द नीचे आ जाता है, और वो बहुत से उदाहरण में देखने को मिलते हैं। और ज़िंदगी में उनके लिए जो चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वो अहमियत इनको होना चाहिए वो नहीं रखते हैं। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनके लिए भी ये तकलीफ देह विषय है। जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, पुरुषों की जो इज्जत नहीं करते हैं, पुरुष की इज्जत नहीं करते हैं, या आमतौर पर महिलाओं के कान पे बाल होना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।